कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कह रहा है कि मेरे पे ऑयल डाल के ना भाई जला देगा, मतलब सोच रहे हो? हमको डर, एक सेकंड भाई, ये स्नाइपर शॉट किसने मारा? Hey guys, हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है सो यार जाके देख लो यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपने देख लिया है सो भाई आपको ना मैं याद दिला दूँ कि यार अभी क्या सीन है और क्या चल रहा है। सो यार लास्ट एपिसोड में ना भाई हम लोग हो चुके थे ट्रैप गोल्ड माइन में, जहाँ पे हम लोग अटैक करने गए थे ईगल पे। बट यार वहाँ पर ना लॉक हो गया गेट और हम लोग वहाँ पे फ्रैंकलिन, ट्रेवर और टॉमी और सब फंस चुके थे यार बिल्कुल ही। और उसने बोला, ईगल ने बोला कि यार सारे गन वगैरह ना तुम लोग छोड़ दो वरना तुम्हें मार देंगे। यार फिर हम गन वगैरह छोड़ते हैं यार, फिर वो हमें मारना शुरू करता है एंड कुटाई करता है। और गाइस हर एक मतलब सबको ना अलग अलग लोकेशन पर ले जाता है, मुझे भी ले जाता है और रेड स्केल जो अपना गैंग का लीडर है ना उसे भी। और गाइस फिर वो मुझे कहते हैं कि यार देख तू डगन का फ्रेंड है भाई, जबकि मैं डगन का फ्रेंड भाई कर ही बना था मतलब उसी दिन। वो कह रहे हैं कि देख तू और मिलके ना हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बट गाइस फिर वो मुझे कहता है कि यार तू आज की आज ना भाई 24 आवर्स के अंदर भाई डगन बॉस को इधर लेके आ, वरना हम तेरे जो लीडर है ना गैंग लीडर रेड स्केल उसे मार देंगे। भाई मैं उसे बोलता हूँ कि यार मत मारो, बट यार देर हो जाती है, फिर वो ना रेड स्केल वाले को मार देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर तू अभी भी डगन बॉस को नहीं लाएगा यहाँ पर तो हम फ्रैंकलिन, ट्रेवर और टॉमी को मार देंगे। तो यार ये मैं नहीं चाहता था। फिर मैं गया वहाँ पर और भाई बहुत गंदा वाला मतलब डगन बॉस को कैसे भी करके मना के इधर लाया हूँ, ठीक है ना भाई? देख रहे हो भाई उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला। बट अगर आपने लास्ट में देखा है तो आपको याद होगा ये डगन बॉस भाई प्लास्टिक सर्जरी वाला है, ठीक है ना भाई? प्लास्टिक सर्जरी किया है मतलब ये फेक है, और इसमें एक GPS ट्रैकर भी लगा है जिसके हेल्प से ना भाई हम इसकी लोकेशन ट्रैक वगैरह कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के ज़रिए से, तो वो हम लोग करने वाले। तो अभी यार देखो उसने मुझे बोला था यहाँ पर आना है तो भाई मैं इधर आ चुका हूँ। अभी ये भाई पता नहीं क्या बातचीत वगैरह कर रहे हैं यार। गाइस अगर आप किसी वीडियो पर नए हो तो भाई 1000 लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दो एंड फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, डेली नया वीडियो आते रहेगा। तो यार अभी पता नहीं ये बंदा क्या बातचीत कर रहा है ये, एंड यहाँ पर ना ये देख रहे हो गाइस ये क्लाउड का बच्चा भी इधर आ चुका है। ये कह रहा है कि देख माइकल अब तेरा ना गेम ओवर हो चुका है, अब मेरा कुछ काम नहीं है भाई लॉस सैंटोस में, तो भाई मेरा काम था बस ख़त्म करना, अब मैं इधर से निकल रहा हूँ। भाई यार ये क्लाउड के बच्चा ना भाई ज़्यादा ही कर रहा है, इसको भी भाई निपटाना पड़ेगा जल्द से जल्द। बट कोई बात नहीं, अभी ये ईगल और उसका छोटा भाई है ना ये इनको भी निपटाना होगा क्योंकि ये ना बहुत बड़े वाले गैंगस्टर है यार। गाइस मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े वाले गैंगस्टर होंगे यार। अब तो जाने दो भाई साहब यार, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को तो छोड़ दो यार। फ्रैंकलिन और ट्रेवर आपको पता है कितने बड़े वाले अपने फ्रेंड है यार। गाइस कसम से ना मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारी वजह से कुछ हो भाई, इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने हमें और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे वजह से मरे। तो यार बस यार डगन बॉस ना पकड़ा ना जाए यार, मुझे इसी बात का डाउट है। सो यार ये अभी भी वही सोच रहे पता नहीं किसी भाई, ये देख रहे हो भाई साहब ये देखो यार गाइस ये बंदा भाई फुल भाई मजे ले रहा है हमारे, और भाई कह रहा है कि देख अब तेरे को ला लिया ना तेरी औकात पे। यार गाइस कोई बात नहीं, अभी इसको दिखाएंगे हमारी पावर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, ठीक है ना? हमारी जो पावर है भाई, वेट करो भाई टाइम आने दो सही भाई, अभी ना भाई माइकल झुका है बट टाइम आने दो भाई, ये हंस रहा है ना भाई उसको उसी के स्टाइल में मारेंगे। तो यार बस टाइम का इंतज़ार करते हैं, और भाई पता नहीं यार गाइस क्या होने वाला है यार, मुझे लग रहा है ये मुझे बस मारना दे, बस मुझे कुछ छोटा समय चाहिए। एक सेकंड भाई ये डगन बॉस को कह रहा है कि यार फटाफट से कार के अंदर बैठ जा। यार अब क्या करने वाले हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए यार। एक कार वगैरह आई है भाई, ठीक है यार डगन बॉस तू चला जा भाई। लग रहा है ये फिर से ना हमें अलग वाले रूम में ले जा रहा है यार, मुझे नहीं पता गाइस यार अभी तो इसमें GPS वगैरह लगा है, बट मुझे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी रियल डगन बॉस के पास, वो मुझे सेंड करेगा। और मैंने फ़ोन वगैरह ना मेल भी मेंशन पे रखा है भाई, यार पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं उसे यार। कैसे भाई डगन बॉस दे दिया है भाई, अब तो भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर को छोड़ दो यार। भाई साहब गाइस गंदा वाला ट्रैप हो चुका हो यार, बस इतने सारे लोग हैं ना
भाई मैं चाहता ना मेरे सारी सिक्योरिटी से अटैक कर दूँ, बट गाइस भाई अपने फ्रेंड वगैरह मर जाएंगे, समझ रहे हो भाई? हम लोग फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, मतलब अगर हमने हमला भी कर दिया ना तो यार समझ रहे हो गाइस सब मारे जाएंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, वरना भाई इनको मारने में भाई जो टाइम लगेगा, अपने पास इतने बड़े बड़े वाले सिक्योरिटी है ना। ऑल राइट गाइस, यार ये देखो भाई इन लोग ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिया है, और ये जो एगल है ना भाई, ये कह रहा है कि इसे भाई मतलब ख़त्म कर दे। भाई ये जो दिख रहा है ना आपको एगल, भाई ये टकला दिख रहा है एक आँखी वाला, भाई वो कह रहा है कि इसे फटाक से जल्द से मार दे। और इसका जो छोटा भाई है ना, वो कह रहा है कि मैं उसे मार दूंगा बस कहीं और जगह लेके। भाई यार ये पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे। भाई उसके बड़े भाई ने ऑर्डर दिया है कि भाई भाई माइकल को मार दे, ज़्यादा टाइम मत ले, यहाँ पर ही मार दे। बट ये पता नहीं गाइस ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे। भाई यार कुछ तो गड़बड़ है यार गाइस। भाई इसके भाई ने बोला, एगल ने बोला कि इसे यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं, बट ये कह रहे हैं कि इसे ना मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। यार भाई यार ये बंदा ना गाइस ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहा है, और कह रहा है कि मैं इसे भाई तड़पा तड़पा के मारूंगा। मतलब इसने जितना मुझे मारा है ना भाई, आपको पता है आपने इसकी अपन लोग ने इसकी कितनी फैन बजाई है। सो यार गाइस पता नहीं क्या होने वाला है गाइस, कहाँ लेके जा रहा है भाई मुझे कुछ भी नहीं पता यार गाइस। बस यार बस मुझे कुछ प्लान मिल जाए, और भाई कैसे भी करके ना इधर से मैं बच जाऊंगा यार। बस मुझे यही प्लान है कि मैं ना बस बच जाऊँ यार, और कुछ भी नहीं यार। सो यार पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे और कब तक भाई। ऑल राइट गाइस, यार इधर ना ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ जंगल के एरिया में ले आए। भाई 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 यार इसने, इसके जो भाई है ना एगल ने मुझे बोला है कि भाई उसे मार दो माइकल को। भाई यार यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या ही कर रहे हो यार तुम? एक तो मार दो भाई, या तो ना गेम ओवर कर दो यार, भाई फालतू का मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। भाई यार अगर इसको मैं मारूंगा ना भी यार, तो इधर ट्रेवर और फ्रैंकलिन मारे जाएंगे, और हमारा जो फ्रेंड है टॉमी, भाई तीनों की तीनों मारे जाएंगे यार हम लोग। भाई ये देख रहे, ये कह रहा है कि देख भाई तुझे मारना है ना तो मैं तभी मार देता, बट ये कह रहा है कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, और रोज़ मतलब मारूंगा। अभी तो भाई मतलब जैसे तूने मार्टिन को जला के मारा था ना, वैसे भी मैं तुझे जिंदा जला के मारूंगा यार। भाई गाइस ये क्या बोल रहा है, अपन लोग ने भी ना मार्टिन को जला के मारा था। भाई देख रहे हो मेरे सर पे मार रहा है, मुझे बेहोश कर रहा है, कह रहा है कि देख अभी ना तेरे को हम जलाने वाले हैं, और बस तू यार अभी बेहोश हो जा और तेरे को हम लोग जला के मारेंगे। यार गाइस भाई पता नहीं यार क्या सीन है, भाई जला के मारेंगे यार। गाइस यार बहुत गंदा वाला सीन हो चुका है यार, अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऑल राइट गाइस, यार अभी ना पता नहीं मैं बेहोश था, और अभी इन लोग ने मुझे ना झाड़ से बांध दिया है, और मुझे लग रहा है ना ये बंदा ऑयल वगैरह लेने गया होगा, पता नहीं यार गाइस। बट मुझे जल्द से जल्द भाई कैसे भी करके यहाँ से, भाई झाड़ से मुझे इन्होंने बांध दिया है। और ये पार्टी पे भी लिखा है कि यहाँ पे खतरा वगैरह है, सांप वगैरह है, देख रहे हो भाई? यार यार कोई तो होगा ना इस जंगल में यार गाइस, कसम से भाई साहब कोई तो आ जाओ भाई, इतना बड़ा जंगल है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि मेरे पे ऑयल डाल के ना भाई जला देगा, मतलब सोच रहे हो भाई? इतनी गंदी मौत यार, यार कोई तो आ जाओ बचाने के लिए यार गाइस, कसम से यार अब मेरे को पता नहीं कौन बचाएगा यार। अब मेरे को बस भाई अब तो लग रहा है ना फंस चुका हूँ, मेरा फ़ोन भी मैंने मेले भी मेंशन पे रखा है, क्योंकि मुझे लगा वो मेरा जब्त कर लेगा, बट यार अब ना यार कुछ नहीं हो सकता यार, मेरे को लग रहा है अब गेम ओवर है माइकल का यार, कैसे भी करके ना भाई साहब अपने फ्रेंड वगैरह का इस मुसीबत में, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ कसम से यार, वरना भाई इसको ना मैं यूँ ही मार दूँ यार गाइस। बट कोई बात नहीं, अब वेट ही करते हैं, पता नहीं उसका आने का वेट करते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी ना कुछ समय हो चुका था, और एक बुड्ढा वगैरह है भाई, ये भाई बुड्ढा इधर आ जाइए जल्दी से, इधर आ जा भाई, ये लग रहा है ना पी के वगैरह है भाई, मेरे हाथ खोल दे यार। यार ये बंदा पता नहीं भाई दारू वगैरह पी के आया क्या ये, भाई हाथ खोल दे भाई मेरा। यार गाइस क्या ही सीन है यार, हाथ वगैरह ही खोल नहीं रहा है बिल्कुल ही भाई, हाथ वगैरह ही खोल दे साले, कहाँ गया पता नहीं भाई, पता नहीं कहाँ घूम रहा है गाइस ये भाई। ओए सुन तो ले भाई, भाई हाथ ही नहीं खोल रहा है यार गाइस, कसम से ना भाई आसपास घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भाई साहब।
यार ये क्या कर रहा है वो चीचा, जल्दी से मेरी बात तो सुनो यार, मेरा हाथ तो खोल दो। अरे यार ये क्या चचा है यार गैस, ये कौन से वाले चचा है गैस, आप लोग ही बताओ यार मेरे को। चैट पे भाई पता नहीं कितनी पी रखी है इसने। अरे ओ चचा, अरे यार ये चचा ना बिल्कुल यार गैस सटका गया भाई, ये पागल कुत्ता है यार भाई, गिरने वाला है लग रहा है मुझे भाई, पूरे मुंडे नीचे ले रहा है यार भाई, गिर जा मेरे को खोल के गिर जा, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है भाई साहब। भाई क्या हो गया, ये तो गिर गया नीचे इसकी भैंस की आग भाई, अभी गिरना था तेरे को यार, पता नहीं कुछ कह रहा था यार इस भाई, यार अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब मेरे को नहीं पता गाइस, अब भाई उसी का वेट करना है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, अब हमको और ही वेट करना होगा भाई। गंदा वाला फंस चुका हूँ, बहुत ही गंदा वाला यार, कसम से गाइस बहुत ही गंदा वाला फंस चुका हूँ, बहुत ही गंदा वाला, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऑल राइट गाइस, एक सेकंड भाई, अभी ना कुछ आधा घंटा हो गया वगैरह 15 मिनट, और एक कुत्ता वगैरह आया इधर भाई, ये किसका कुत्ता है भाई, भाई मेरे पे हमला मत कर दे भाई, भाई मेरे पे भोग रहा है भाई यार, हाथ वगैरह बंद है यार गाइस, कसम से भाई लग रहा है ना आज भाई कुत्ते की मौत मरने वाला हूँ यार, क्या हो रहा है यार, ये भुट्टे को काट भाई, मेरे को मत काट दे भाई, पता नहीं भोग रहा है पता नहीं गाइस, भाई कुछ कहना चाहता है क्या भाई, काटना होता ना अभी तक काट लिया होता भाई, ये भाई साहब दुम चील आ रहा है, पता नहीं खुजा रहा है भाई, ये चॉप वगैरह तो नहीं ना यार, पता नहीं, वैसे तो वैसे बहुत सारे डॉग होते हैं भाई, ये चॉप तो नज़र नहीं आ रहा है पता नहीं गाइस, बट चलो यार भाई, ये भाई यार खोल दे यार, लग रहा नहीं ये मेरी बात समझ रहा है भाई, मेरा पीछे से हाथ भाई बंदे में खोल देगा क्या भाई, इसको समझ आ रहा है कि नहीं भाई, यार गाइस पता नहीं मेरा हाथ खोल पाएगा कि नहीं यार, यार ये क्या भाई दे के जा रहा है यार, खोल दे यार बस, तेरे को खोल दे भाई, सारे कुकी दे दूंगा भाई जो भी है ना भाई, यार जा रहा है गाइस, लग रहा है ना खोल देगा भाई, भाई बस खोल दे यार, कसम से भाई हाथ खुल जाए यार गाइस, भाई खोल दिया वो भाई, भाई हाथ खोल दिए भाई, किसका कुत्ता है यार गाइस, कसम से यार इंसान ने मदद नहीं की, साले भुट्टे ये ले, साला पी के बैठा है साला, इतना हट्टी चमड़ा हो गया साला, फिर भी गाइस देखो दारू पी रहा है क्या, इसको ना भाई साहब मार ही दूंगा, बट यार टाइम वेस्ट ना हो जाए यार साले को भाई, छोड़ो छोड़ो भाई, इसको थोड़ा मारता हूँ साले के, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, पहले बदबू कर रहा है इधर गाइस बांधे बांधे भाई, ये कुत्ता ना यार एक नंबर है यार भाई, भाई ये कुत्ता मुझे कुछ कहना चाह रहा है गाइस, एक सेकंड, ये ना भाई मेरे को लग रहा है जंगली कुत्ता नहीं, ये किसी का पाला हुआ कुत्ता है, एक सेकंड भाई साहब, ये कुछ कर रहा है एंड भाई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ये तो गाइस, गाइस ये ना कुछ यस मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है भाई, क्या बता रहा है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है वैसे भाई, यार जल्द से जल्द हमको निकल लाऊंगा, वरना वो एगल का छोटा भाई आ गया ना भाई, प्रॉब्लम हो जाएंगी यार, कुछ कर दे भाई, यार क्या भूग रहा है यार, इसको भूख वगैरह लगी है क्या भाई, इसको मैं घर पे ले जाऊँ क्या, बट मेरे पास गाड़ी वगैरह तो नहीं है भाई, क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, यार थैंक यू यार, इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँ क्या भाई, कुछ गलत वगैरह सीन हो जाएगा इस, एक सेकंड मुझे इसको फॉलो करना है क्या भाई, एक सेकंड इसका पीछा वगैरह करता हूँ भाई, क्या पता ये ना कुछ मेरे को कह रहा हो, कुछ पता नहीं यार, किधर है भाई, कहाँ गया, किधर गया भाई, यहाँ पर ही तो था भाई, गायब हो गया भाई, ये कोई फरिश्ता वगैरह तो नहीं था ना, एक सेकंड भाई ये रहा गाइस भाई, इसकी भैंस क्या भाई, जा कहाँ रहा है ये गाइस, मुझे लग रहा है ना ये कोई पालतू कुत्ता है, मतलब किसी का पेट वगैरह है भाई, इधर ये कार के पास आके रुक चुका है भाई, कार में तो कोई नहीं है, एक सेकंड मुझे लग रहा है ना इसका कोई मालिक वगैरह होगा, इसके भाई गर्दन पे पट्टा वगैरह तो लगा है भाई, इसका मालिक वगैरह कुछ हुआ है क्या, वरना गाइस मुझे पता है वैसे ना पेट वगैरह बहुत ईमानदार होता है, मुझे लग रहा है इसका मालिक खतरे में है या कुछ हुआ है इसके मालिक को भाई, इसके मुंह में जबान तो नहीं है बट ये मुझे ना कुछ इशारों इशारों में समझा तो रहा है, चलो यार देखते हैं गाइस, पता नहीं यार भाई इसका पीछे ही करना होगा गाइस, इसकी ये मालिक की कार थी आई थिंक, पता नहीं गाइस, अब ये बनता इतने दूर लेके जा रहा है भाई, इतना फर्स्ट तो बनता है वरना मैं कार लेके भाग गया था, बट यार कुत्ते ने हमारी मतलब डॉग ने हमारी हेल्प की, सो भाई मैं भी चाहता हूँ ये बंदा कुछ ना कुछ तो कह रहा होगा ना यार, ये इधर ही कहीं देख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे कुछ लोग वगैरह नज़र आ रहे हैं पैर वगैरह, एंड भाई ये आगे जा नहीं रहा, डर रहा है गाइस भाई, एक सेकंड यहाँ पे कुछ लोग ना भाई एक औरत को परेशान कर रहे हैं भाई, डांस वगैरह कर रहे हैं भाई, लग रहा है ये इसका मालिक है, ये कुछ लोकल गुंडे हैं भाई, देख रहे हो मारने के जा रहे हैं,
भाई गन वगैरह नहीं सालों को, वरना यहाँ पे टोक देता। एक सेकंड भाई, ये इसका मालिक, अरे सॉरी यार गलती से इसके मालिक को लात लग गया कि ये मालिक वगैरह है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, इसकी भैंस की आप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये लोकल गुंडे, इनके पास गन वगैरह नहीं, अच्छी बात है भाई। लुटे रहे भाई, समझ रहे हो भाई, कुत्ते को मार रहा है साला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुत्ता भी कुछ ना कुछ करेगा ना भाई। कुत्ता तू तो भोग दे भाई, कोई ना भाई, तूने मेरी जान बचाई है तो भाई मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना। मैं इसकी भाई, कुत्ते ने मार दिया भाई, कसम से भाई, काट रहा है गर्दन, काट दी भाई। ये टकला साले तूले भाई, लोकल गुंडे साले, तुम्हारी औकात नहीं है भाई। ये भी मार रही है भाई, जोश में आ गई ये भी भाई। ये बुढ़िया भी जोश में आ चुकी है कसम से भाई, मार रही है। अरे भाई बुढ़िया भी जोश में आ चुकी है बिल्कुल भाई, क्या ही काट रहा है कुत्ता भाई इस कसम से भाई। भाई ये जानवर भाई जो भी है ना भाई, बहुत ज़्यादा ही समझदार है भाई। बुढ़िया को मारता है साले, शर्म नहीं आती है साले। टकला पुड़ूंगा तेरा, चल निकल साला, जो पड़ेगा गाइस गया गाइस। भाई साहब बिल्कुल ही ना गाइस, ख़त्म हो चुका है भाई। भाई यार मज़ा ही आ चुका है गाइस, भाई मज़ा ही आ चुका है गाइस, क्या ही बोलूँ भाई। ये मुझे कह रही कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। शुक्रिया तो भाई इस डॉग को बोलो यार, मेरा कोई नहीं है भाई, इसने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो 50-50 हो गया। ये मुझे थैंक यू वगैरह कह रही है कि यार देखो, अगर तुम्हें कुछ वगैरह चाहिए तो पैसे वगैरह चाहिए तो मैं दे दूँगी। यार भाई क्या पैसे वगैरह दे देगी भाई, $50 में क्या होगा भाई। तो यार रहने दो यार, कुछ गिफ्ट वगैरह लेते नहीं। और इनकी कुछ यहाँ पे भाई मोटरसाइकिल वगैरह होगी भाई, ये लुटेरों की, तो भाई इनको टैंक वगैरह बोलते हैं। और ना गाइस इधर से निकलते हैं, और इधर इनकी एक सेकंड, यहाँ बाइक्स वगैरह तो है। चलो भाई एक आधी बाइक वगैरह पर बैठ जाओ, तो और फटाक से भाई कुछ प्लानिंग वगैरह करते हैं गाइस, वरना कुछ ना हो जाएगा समझ रहे। हमारे पास टाइम नहीं है, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को गाइस बचाना होगा, और हमारे पास जो एप्लीकेशन है ना उसको इंस्टॉल करना होगा भाई। एंड मेरे को फटाफट से भाई डगन बॉस को कॉल करना होगा रियल, फिर उससे ना हमें लोकेशन मिलेगी फ्रैंकलिन और ट्रेवर कहाँ पर है, फिर हम उन्हें फटाफट से आके बचा लेंगे। समझ रहे हो गाइस, हमारे पास टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है भाई। फटाफट से गाइस यहाँ पे एगल का छोटा भाई आ जाए, पता नहीं वो कहाँ गया किसी काम से, तो बिल्कुल हमारे पास टाइम वगैरह ना बिल्कुल भी नहीं है। और भाई साहब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ना भाई साहब, के कुत्ते ने मेरी जान बचा ली भाई, वो पिदाड़े इंसान मतलब वो जो है ना भाई, उसने मेरी जान नहीं बचाई भाई। क्या भाई इंसानियत है भाई, इंसानियत पे कुछ रहे नहीं भाई, ईमानदार होते हैं। तो यार अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो गाइस डॉग ओप भी लिख दो, तो मुझे आप समझ जाएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और वीडियो को यार 1000 लाइक करना, और आगे जाके यार पूरा वीडियो वॉच करना, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और गाइस फटाफट से लाइक करो और शेयर करते रहो, और यार गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि जल्द से जल्द न्यू वीडियो आ सके, और बढ़िया बढ़िया गाइस आपको मैं बढ़िया सा एंजॉय एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं। और राइट गाइस फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं मैली पे मेंशन पर, और यार फटाफट से ना भाई यहाँ से हमारा सेल फोन है ना जो भाई फोन है भाई, वो वहाँ से हमें पिकअप करना होगा। और जो हमें डगर बॉस ने एक एप्लीकेशन दिया ना भाई, उसे फटाफट से इंस्टॉल करना होगा। उसके हेल्प से ना भाई हम लोग GPS ट्रैक करेंगे, और उसके हेल्प से ना भाई जहाँ पर ये इसको लेके गए ना मतलब डगर बॉस को वगैरह, तो वहाँ पर भी फ्रैंकलिन और ट्रेवर और टॉमी भी वहाँ पर ही होगा। सो यार चलो गाइस कुछ भी होगा यार, हमारे पास एक लास्ट चांस है भाई साहब फ्रैंकलिन और ट्रेवर और हमारे जितने भी दोस्त हैं ना भाई सबको बचाने का। सो चलो यार फटाफट से मैंने जहाँ पर फ़ोन रखा है ना अभी गाइस, देखो टाइम बहुत कम है अभी, जो एगल का छोटा भाई है उसे कभी भी पता चलेगा कि हम लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अगर हम लेट हो गए तो समझ जाओ कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर मर चुके यार। तो यार मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त वगैरह मरे, और यहाँ पे मैंने फ़ोन वगैरह रखा था, कहाँ गया। चलो ये रहा अपना फ़ोन, और फटाफट से ना इसमें जो भी डगन बॉस ने मुझे भेजी थी लिंक, पता नहीं सेंड किया है कि नहीं। सो यार फटाफट से ना एक बार मैं चेक वगैरह करता हूँ, और इंस्टॉल करने की ना इसको कोशिश वगैरह करता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, तो अभी तो मैंने इंस्टॉल तो कर दिया है, बट अभी ना सीन ये है कि यार ये ऐप भाई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, एंड GPS वगैरह ट्रैक ही नहीं हो रहा है। यार क्या सीन है यार, मतलब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो भाई हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे यार। बहुत बहुत गंदा वाला काम हो चुका है, हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है। तो फटाफट से हैकर को बोलता हूँ कि यार जल्द से जल्द ना इसका कुछ कर, और फटाफट से ना भाई साहब इसको कुछ रिकवर कर दे यार, क्योंकि हमारे पास अभी लास्ट चांस है यार। अभी हमें क्या पता अभी फ्रैंकलिन ट्रेवर कहाँ पर है, और इन लोग ने कहाँ पर ले गए। सो यार चलो इसको फटाफट से बात करता हूँ एंड समझाता हूँ। ऑल राइट गाइस, इसे ना सारा का सारा मैंने बता दिया है, और ये कह रहे कि यार बस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये ऐप को ठीक करने में, जब तक तुम कुछ भी करो।
मैं बस 5 मिनट में से ठीक करके दे दूंगी एंड ना भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो यार 5 मिनट लग जाएंगे यार, जब तक ना अपन लोग अपने जो भी आर्मी वगैरह है भाई साहब, जिससे हम लोग अटैक करने वाले, हमारी सिक्योरिटी RSVPG सिक्योरिटी भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, रशियन सिक्योरिटी है भाई, ख़तरनाक है। तो यार जिसको भी इसका फुल फॉर्म याद है मेरे को चैट पे लिखना, तो वही हमारा रियल सब्सक्राइबर होगा। तो मुझे पता है कौन हमारा रियल सब्सक्राइबर है और कौन हमारी पूरी वीडियो देखता है। तो जिसने RSVPG का फुल फॉर्म मुझे बता दिया तो भाई वो हमारा रियल सब्सक्राइबर है एंड क्या ही बोले। सो गाइस तो चलो अभी इन्हें सारा का सारा मैं बताता हूँ भाई, क्या सब कुछ अरेंज कर दो गाड़ी वगैरह एंड हम लोग कौन पे लेके निकलेंगे भाई, कहाँ गया, चलो इसे बताता हूँ एंड फटाफट से ना गाइस सब कुछ समझा देते हैं और बता देंगे क्या सीन है। और राइट गाइस, हमारा ना गाइस सब कुछ सीन हो चुका है और हमारी ऐप भी ठीक हो चुकी है और ये खुद मेरे साथ आने वाली है और भाई साहब अगर कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होता है ना तो ये मुझे समझा देगी एंड ऐप वगैरह ठीक कर देंगी और हमारी जो RSVPG सिक्योरिटी है ना भाई वो भी रेडी हो चुकी है। सो चलो अभी फटाफट से खतरनाक वाला फोन भी लेके जाते हैं और भाई मैंने भी मास्क वगैरह लगवा दिया, अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया ना भाई साहब फिर फ्रैंकलिन और ट्रेवर मर जाएंगे और ये वाली गलती मैं नहीं चाहता कि हो जाए। तो यार चलो फटाफट से भाई, यार फटाफट से बैठो गाड़ी में यार, भाई ऐसा लग रहा ना भाई स्कूल की ट्रिप जा रही है, इतना धीरे धीरे काम करोगे क्या भाई, फटाफट से गाड़ी में बैठो। चलो यार अभी भी भाई देख रहा हूँ दम दम से बैठ रहे हैं गाड़ी में। चलो यार गाइस हमारी अभी इनके लिए न्यू मेंशन भी ले रहा है, ठीक है ना। तो भाई आज हम लोग इनके लिए न्यू मेंशन लेने वाले हैं और आपको चूज़ करना है कि वो मेंशन ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ तो मेंशन आप लोग भी इनके लिए सेलेक्ट करना। सो चलो यार अभी ट्रैफिक बहुत दिख रहा है यार गाइस, क्या ही बहुत है भाई, ट्रैफिक बहुत हो गया भाई लॉस एंजेलस में। चलो यार एक और हमारा कौन भी आ रहा है पीछे से भाई, इतने लोग काफ़ी भाई सीखे ना भाई साहब, भाई कितने लोग है गाइस आप लोग भी देख लो यार भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। सो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ चलो फटाफट से ना भाई निकलते हैं और गाइस अभी फुल प्लान वगैरह सब कुछ करना होगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो गाइस, टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है गाइस, समझ रहे हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और भाई इतने लोग काफ़ी है क्योंकि मुझे ना अभी क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है वैसे तो, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो चलो फटाफट से ना भाई लोकेशन की ओर निकलते हैं और आपको भाई साहब वहाँ पर ही मिलते हैं। और राइट गाइस फाइनली हम लोग भाई GPS ट्रैक करते करते भाई यहाँ पर आ चुके हैं और भाई ये मुझे बता दी कि इधर ही कहीं सिग्नल आ रहा है इस ऐप के अंदर, जबकि हमने आपको पता है भाई फेक जो डग्गर बॉस है ना उस पर एक चिप लगी हुई थी जो कि रियल डग्गर बॉस ने लगवाई थी हमारी हेल्प करने के लिए, जिससे हम हमारी फ्रेंड्स को भाई हेल्प कर सके और उन्हें बचा सके गाइस। तो यार ये बहुत बढ़िया वाला आइडिया दिया मुझे रियल डग्गर बॉस ने, बहुत सही काम किया, मतलब फेक सर्जरी वाला डग्गर बॉस भी दे दिया हमारे लिए और हमारे फ्रेंड को बचाने के लिए उनकी लोकेशन भी हम ट्रैक कर सके उस पर ट्रैक मतलब GPS वगैरह भी लगवा दिया है। और गाइस यार इतना सुमसा एरिया है ना गाइस, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर होंगे पर GPS की लोकेशन यहाँ पर ही कहीं वगैरह आ रही है। सो यार चलो अभी यार हमारे पास अभी लास्ट चांस है, अभी तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं समझ रहे, मतलब हमारे फ्रेंड मारे जाएंगे अगर एगल ने मुझे, अगर उसे पता चल गया ना मैं वहाँ पर बंधा हुआ नहीं हूँ झाड़ से, तो गाइस समझ लो क्या होने वाला है हमारे साथ, तो मतलब सोचो भाई हमारे फ्रेंड वगैरह सब मारे जाएंगे। तो इन्हें बोलता हूँ कि यार तुम लोग यहाँ पर ही रुकना भाई, इसको भी बोलता हूँ कि यार तुम भी सेफ रहना भाई साहब, गाड़ी में बैठ जाओ वरना किसी ने देख लिया ना पता चल जाएगा मैं माइकल के लोग हैं। और इनको भी बोल देता हूँ भाई क्योंकि ना देखो मेरे मास्क वगैरह पहने, अगर गलती से किसी ने भी स्पॉट कर लिया पहले उसकी रोबोट सिक्योरिटी भाई बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तो इनको बोलता हूँ जब भी मैं इशारा दूंगा तो आ जाना क्योंकि मुझे ना अभी बचाना है तीनों को भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना डायरेक्ट जाके हम लोग रश कर देंगे भाई हाथ ख़त्म कर देंगे भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, मतलब डायरेक्ट जाएंगे और भाई गेम ख़त्म कर देंगे, समझ रहे हो भाई, ऐसे तो भाई हम लोग ही मर जाएंगे और भाई हमारे जो फ्रेंड वगैरह ना भाई वो भी मारे जाएंगे। तो यार समझो गाइस ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है एंड फटाफट से ना भाई सब हमको भाई सब करना ही होगा। सो यार चलो फटाफट से अभी इतना ट्रैफिक वगैरह है एंड भाई साहब बहुत दूर लग रहा है एंड उसने मुझे बोला कि सीधा स्ट्रेट जाओ एंड जैसे स्ट्रेट जाओगे भाई भाई देख ही लेते हैं अभी क्या पता अभी GPS लगा है तो भाई फेक तो नहीं होगा ना भाई, सब कुछ सही काम होने वाला है। और गाइस बहुत ज़्यादा ही गाइस ख़तरनाक वाला गेम है, समझ रहे हो भाई, अगर गलती से भी किसी ने देख लिया ना और पहचान लिया भाई इसके अंदर माइकल दी सेंटा है तो फिर गाइस ट्रेवर और फ्रैंकलिन और टॉमी और ये जो फेक डग्गर बॉस है ना भाई वो मारे जाएंगे।
और मैं नहीं चाहता कि वो चारों के चारों बंदे मारा जाए। और एक सेकंड गाइस ये देख, तो इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है ना वो बिल्कुल इस सही जगह पे लगा है। यहाँ पर एक बार देख लूँ, बिल्कुल इस सही समय पे। और गाइस यहाँ पे ना रोबोट आर्मी भी। सो यार अभी मैं कैसे जाऊँगा भाई, मेरे को अभी घर के अंदर तो जाना होगा, अभी कौन से घर के अंदर है पता नहीं। सो यार अब कौन से रूम में बंद है गाइस, अभी तो ये चार पाँच रूम है। अगर गलती से मैं गलत रूम में चला गया ना, क्योंकि ये इन लोग ने हर सबको अलग अलग जगह बंद कर रखा है, समझ रहे हो, तो भाई मैं किसी एक को ही बचा पाऊंगा अगर ऐसा कुछ हो गया ना, प्रॉब्लम वगैरह, समझ रहे हो गाइस। भाई साहब यार बस ये लोग एक जगह ही बंद हो, अलग अलग जगह बंद ना हो, समझ रहे हो। अगर सब लोग एक जगह ही बंद हो, अलग अलग होंगे ना, तो फिर मैं एक ही को बचा पाऊँगा, जब तक तो वो मार ही देंगे ना यार। गाइस बस देख के जाना है, पर कोई मेरे को देख ना ले, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो यार, गाइस समझ रहे हो, क्या ही बोलूँ, मतलब बिल्कुल ही यार दिमाग का गाइस गेम ओवर हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट से ना भाई साहब करते हो। और गाइस चलो एक बार देख लेते कोई है तो नहीं ना भाई, बस मेरे को आराम से जाना होगा, समझ रहे हो, बिल्कुल ही गाइस एक्सपोज नहीं हो रहा है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि यार पीछे से जाता हूँ। एक सेकंड गाइस, भाई ये सीक्रेट एरिया इतने दूर बंद करके रखा है ना इसने, कसम से यार इसकी भैंस की। बस मेरे को प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, फिर इसकी एगल और क्लाउड और उसका छोटा भाई, भाई तीनों का गेम ओवर कर दूंगा, कसम से बता रहा हूँ भाई, ये तीनों का बहुत हो चुका है भाई, कब से इनका नाटक देख रहा हूँ यार। ये लोग फुल पावर में, और माइकल को यार बिल्कुल ही ना ऐसे कद्दू जैसे समझ रहे ना, क्या ही बोलूँ। कोई ना एक सेकंड, धीरे धीरे जाएंगे, बस कोई देख ना ले। भाई साहब वो चचा खड़े हैं वहाँ पर, बट यार वो चचा मेरे को लग नहीं रहा कुछ करेंगे भाई, उनका खेत अलग लग रहा है। चलो यार बस इधर मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे चलते हैं। और भाई साहब बस मेरे को जस्ट देखना हो, कोई एक सेकंड भाई, ये देखो एक रोबोट का एक सिक्योरिटी खड़ा है भाई। कोई ना, आराम से गाइस, मेरे को आई थिंक और पीछे को जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक्सपोज नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी आवाज़ वगैरह नहीं आ रहा है, बस यार धीरे से जाना है भाई, देखना ले यार। भाई नहीं देखा इसने कसम से भाई, अगर देख भी लेगा ना तो उसे लगेगा कि कोई और बंदा है, क्योंकि मैंने मास्क वगैरह पहना है भाई। मैं किसी और को सेंड कर देता, बट यार मैं किसी भरोसा कर नहीं सकता, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पहले फट के आ जाएंगे रोबोट वगैरह देख के। यार पता नहीं मुझे लग रहा ना इस घर में सिक्योरिटी ज़्यादा लग रही है, सो मुझे लग रहा है इसी घर में हो सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि बाकी घरों में सिक्योरिटी वगैरह लगी नहीं इतनी। वहाँ पर देख रहे हो आसपास सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहा है, तो इस वाले पे भी है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है दोनों में से कौन सा भाई, भाई देखो वहाँ पे दो गार्ड खड़े हैं और वहाँ पे भी ज़्यादा लोग खड़े हैं, अब दोनों में से किस में हमारे फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है दोनों में होंगे। अब भाई कौन जिंदा होने वाला है, कौन, यार मुझे नहीं पता गाइस, अब वो आगे जाके समझ आएंगे गाइस क्या सीन है और क्या नहीं है भाई। ठीक है गाइस, कोई ना चलो भाई सब आराम से भाई झाड़ियों में घुसते हैं, बस कोई देख ना ले यार, बिल्कुल ही हिटमैन वाली सीन हो रही है जैसे, मतलब हिट वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है भाई, कोई ना देख ले गाइस, आवाज़ नहीं करनी, नॉइज़ नहीं करनी है भाई, मुझे लग रहा है इसी घर में होगी। एक सेकंड ऊपर देखो, ऊपर भी एक बंदा खड़ा है भाई, देख तो नहीं ले रहा मुझे भाई, वो आसमान में देख रहा है भाई, गन वगैरह देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है यार। अब मुझे लग रहा है कि मिशन फेल हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही टाइट है गाइस, कसम से बता रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा टाइट है यार गाइस, मुश्किल लग रहा है मुझे तो भाई बचाना। और ये बंदा भी इधर ही खड़ा है भाई, जाऊँगा कैसे अंदर भाई, सामने गेट पे दो लोग खड़े हैं यार, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा ये काम करते गाइस, ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं भाई, अगर मैं बॉक्स से ऊपर चला जाऊँ तो क्या बोलते हो भाई, अगर पैर वगैरह फिसल गया ना, बट ये चिमकंडी यहाँ पर ही खड़ा है यार, रुक गएगा भाई, चला जा यार प्लीज़, उधर चला जा भाई, इसका वेट करना होगा यार, ये चिमकंडी यहाँ पे खड़ा है गाइस, यार जा ही नहीं रहा, इधर से चला जाओ बस, ये अगर चला गया, एक सेकंड जा रहा है, चलो भाई फटाक से भाई, आराम से भाई, चढ़ जा यार, प्लीज़, अरे भाई कसम से पैर फिसल गया था भाई, बाइक चला गया, वो उधर चला गया भाई, बच गया भाई, कसम से ऊपर तो आ गया हूँ, बस मेरे इधर भी बंदे गाइस, यार इधर कोई नहीं है, कसम से यार किस्मत बहुत साथ दे रही है
बस 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 आराम से जाना है भाई, आवाज़ ही नहीं कर ली है भाई भाई, एक सेकंड यहाँ पर देखो भाई, ड्राइवर भाई तीनों को इधर ही बंद करके रखा है, और जो फेक डगर बॉस है ना भाई, मुझे लग रहा है उस वाले रूम में है यार। ये तो बढ़िया काम हो गया, हमारे तीनों के तीनों फ्रेंड बच सकते हैं। बट यहाँ पर भाई चार पांच लोग हैं, वो भी रोबोट सिक्योरिटी यार। इनके पास ना भाई खतरनाक वाले शील्ड वगैरह होंगे, तो भाई मुझे नहीं पता इनको मार पाऊंगा कि नहीं। बट मुझे ना हैकर ने बोला था कि इनके गर्दन वगैरह पे मारना, क्योंकि वहाँ पे ना गाइस वीक पॉइंट होते हैं, इनके बॉडी वगैरह पे मत मारना, क्योंकि यार गाइस भाई साहब कोई नज़र नहीं आ रहा है भाई यार। बस भाई यही लास्ट चांस है मेरे भाई, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है गाइस, कोई भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ही गाइस एक नंबर वाला सीन हो चुका है, कोई भी नहीं है। चलो चलो चलो, इधर भी नहीं है भाई, बॉम्ब वगैरह डाल दूंगा तो यार, या बॉम्ब वगैरह डालूंगा तो अपने फ्रेंड मरेंगे, वो तो मरेंगे मेरे। चलो सो यार, अभी ना मुझे डायरेक्ट एंट्री करनी होगी और इन लोग को भाई गेम ओवर करना होगा, और क्या गाइस, दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। सो चलो यार, फटाफट से ना भाई ओपन करता हूँ, और इन्हें पता ही नहीं इसकी भैंस की एक्शन निकल, साला मर नहीं रहा है, देख रहे हो उसकी भैंस की। और है क्या भाई, उठ गया भाई, उसके इतना मारने के बाद भाई वो बाहर जंप कर दिया भाई, बाहर जंप कर दिया, बहुत सीन हो गया भाई। मुझे बस प्रोटेक्ट करना है, और मेरी जो बी सिक्योरिटी है ना भाई, RSVPG भाई, वो आदमी होगी किसी भी समय, ये भाग रहा है, इसके हाथ से गन निकल गया भाई, उसके हाथ से गन छूट गया, कसम से भाई कम्प्लीट हो गया भाई साहब, मतलब साहब इतना कम देखने को मिलता है ना भाई, भाई गन गिर गया आदमी से, उसके भाई भाग रहा था वो भाई। एक सेकंड भाई, मुझे ना इसी रूम में रहना है, और भाई ये देखो भाई वो बालकनी वाला साला, कोई बात नहीं भाई, इन तीनों को बचाना होगा। बट यार ये लोग आते ही जा रहे भाई साहब, कवर भी ले रहे साले, कोई बात नहीं गाइस, लगता है ना मेरी जो नी सिक्योरिटी है ना भाई, उन्होंने अटैक कर दिया होगा यार। ये लोग ऊपर ही आ रहे सारे के सारे, भाई क्या कर रहे हो, मेरी नी सिक्योरिटी आई कि नहीं अभी तक यार। यार वो लोग लग रहा है, मेरे को लग रहा है अभी तक आए नहीं, पता नहीं यार, ये सारे के सारे ऊपर ही आ रहे हैं ना भाई, कब तक संभालूंगा मैं यार। अरे यार आते ही जा रहे भाई, क्या चल रहा है ये भाई साहब, ये देखो भाई क्या चल रहा है, ये आते ही जा रहे भाई, लोग अटैक किया कि नहीं यार, लग रहा है नीचे अटैक वटैक शुरू हो गया, मेरे को गोली की आवाज़ तो आ रही है यार। गाइस बस ना भाई, इनको दिखाना पड़ेगा भाई, देख रहे हो कितने सारे भाई, भाई कसम से यार, कसम से एक ही दरवाज़ा है, वरना दो दरवाजे होते ना भाई मर जाता भाई। मेरे को पीछे भी देखना है और सब देखना है भाई साहब, बस वॉर गेम शुरू हो गया होगा भाई, लग रहा है ना आवाज़ वगैरह आ रही है मेरे को। और गाइस भाई साहब ये देखो, इसकी भैंस किया भाई, कितने सारे थे भाई, भाई लग रहा है नीचे फाइट वगैरह शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको फटाफट से छुड़ाता हूँ। और भाई नीचे फाइट वगैरह, हाँ गाइस देखो आ चुके भाई, नी सिक्योरिटी आ चुकी है अपनी, और भाई साहब अरे यार नीचे आ गया गलती से, अरे कोई बात नहीं आ चुके भाई आराम से भाई, इन लोग को फाइट कर ले दो भाई, भाई करो फाइट करो, मैं भाई उनको खोल के आता हूँ, ठीक है यार। वो देखो मर नहीं रहे भाई साहब, मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई, वो बहुत पावरफुल है नीचे के लोग भाई, फुल वेस्ट आर्मर पहन के बैठे भाई साहब, भाई ये देखो कितने सारे बंदे थे भाई, कसम से भाई मैंने क्या ही सिचुएशन हैंडल किया। और कोई बात नहीं, इन लोग को छुड़ाना पड़ेगा, बोलेंगे काम आ गया भाई, इधर ही आया तो तुमको बचाने के लिए आया हो, चलो इसको इसको छोड़ दिया, चल निकल, चल तू भी आ जा, चल फटाफट से भाई, जल्दी गन पकड़ो हाथ में भाई, जो मिले फटाफट से पकड़ लो भाई। और भाई साहब चलो यार भाई, यहाँ से भी जंप कर लेता हूँ, और गाइस इनके पास पता नहीं यार गाइस, इनकी फटी पड़ी है। और भाई डगर बॉस है कि नहीं भाई, वो फेक वाला डगर बॉस किधर है भाई, भाई ये कह रहे कि हमें नहीं पता, हम तो इधर ही जब से बैन हमको इधर ही पकड़ के रखा है भाई यार गाइस, कोई बात नहीं यार, फटाफट से इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, हमारे नी सिक्योरिटी ना RSVPG उनकी हेल्प करनी होगी, कोई बात नहीं गाइस। एक सेकंड और एक अंदर से कहीं फायरिंग की आवाज़ आ रही है भाई साहब, खतरनाक वाली आवाज़ें आ रही है फाइटिंग की, बट यार मेरे को दिख क्यों नहीं रहा कोई, ये देखो यहाँ से भाई अभी तक मरे नहीं क्या भाई साहब, भाई कोई बात नहीं, कवर में खेल रहे हैं ये लोग भाई, फुल कवर में खेल रहे हैं, कोई ना कवर, अरे भाई आराम से भाई, इसके घर सर पे गोली लगती ना भाई, ये मर नहीं रहा भाई, ये क्या किस चीज़ से बना है भाई, ये कौन सा रोबोट है भाई, ये मर ही नहीं रहा ये तो भाई। एक सेकंड आर पीछे निकाल लाऊंगा भाई, इतना पावरफुल कैसे क्या हो गया अचानक से, इसकी भैंस की आँख, कोई ना ये ले, चल निकल, अब तो गया ना भाई, अब तो गया साला भाई, औकात क्या आ गया भाई, इतना पावरफुल कैसे हो गया अचानक से भाई, जब मैंने मारा तो भाई ख़त्म थे अब तो भाई। तो एक और है भाई, एक सेकंड इसको भी ना भाई, इससे मार रहा हूँ, चल निकल, चल बेटे तू भी निकल साले, तुम भी निकले भाई, गए भाई सब, क्या ही मारा ना भाई, मज़ा आ चुका भाई, पूरी आग लग चुकी भाई, रूप से भागो, अरे यार ये ड्राइवर और भाई के यार, तुम लोग घर पकड़ो ना हाथ में यार, कसम से यार गाइस, इन लोग को भाई लग रहा है इनकी हालत लड़ने लायक नहीं, चलो गाइस कोई बात लड़ते क्या नहीं, मेरे को पता नहीं भाई, घर निकाल दी भाई, मैंने बोला नहीं लड़ेंगे भाई, देख रहे हो भाई साहब, ड्राइवर ने घर निकाल दी भाई, तीनों ने घर निकाल दिया,
अरे भाई मैं गिर गया नीचे यार भाई, कोई बात नहीं गाइस, भाई डब्ल्यू टी सब मूवमेंट होते रहते हैं, तो यार भाई कोई बात नहीं, इनको भी मार देंगे। और गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे रिस्की ओके लिख दो, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो यार सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो भाई साहब, ये बंदा भाई साहब देख रहे हो कितना पावरफुल है, स्पीड रेस यार हार पी से मरेंगे भाई, बहुत पावरफुल बंदे यार ये कसम से भाई साहब देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा भाई साहब, कितने लोग मार रहे भाई, आरपी से मर रहे हैं भाई। ठीक है ना भाई, गलती से भाई आरपी चला दिया भाई, बढ़िया उनके आंख भी चला गया भाई लोग, भाई क्या ही रेस्क्यू कर रहा हूँ यार इन लोग को यार, भाई ये बहुत पावरफुल है भाई, इनको आरपी से मारना पड़ रहा है, पता नहीं ऊपर के लोग कैसे मर गए थे। ये देखो भाई और भी है भाई, पूरा ये जो भी है ना खेत भाई, खेत में ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। एक सेकंड भाई, इनको ना आरपीजी से मारना पड़ेगा, वैसे ये मरने वाले नहीं भाई, वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, वैसे ये मरने वाले तो है नहीं। चलो कोई ना गाइस, ख़त्म भाई, ख़त्म कर देंगे इनको, कोई बात नहीं। और कोई है क्या भाई, मेरे को लग नहीं रहा और कोई हो गया भाई, एगल को आ जाए उससे पहले ना भाई, अभी इनसे पूछता हूँ यार, जो फेक डगन बॉस है वो कहाँ गया यार, पता नहीं यार गाइस, भाई साहब अभी जो हैकर है ना उससे पूछना पड़ेगा भाई साहब, पता नहीं यार गाइस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। कोई और है क्या, कोई दिख नहीं रहा भाई, यहाँ पे फायर गिरी करके देखता हूँ भाई साहब, कोई भी दिशा आ रहा है और है क्या भाई, देखो एक चालू है, कोई ना ये लोग मार ही देंगे भाई। चलो मर गया भाई, ख़त्म है भाई साहब, बहुत सही भाई, जो फेक डगन बॉस है ना भाई वो पता नहीं कहाँ गया भाई साहब, भाई बहुत पावरफुल सिक्योरिटी भाई है भाई, कितने बारी पड़ रहे देख रहे हो भाई, सिर्फ 15 या कितने थे उसके, कसम से यार भाई बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी यार ये रोबोट वाली भाई, इतने बंदे मिलके भी आ रहे हैं ना क्या ही बोलूँ भाई। ये कह रहे हैं कि देखो डगन बॉस तो भाई वो लोग ना पता नहीं एक ठेले में कुछ था, मतलब भाई चीज़ को उठा ले गए भाई, तुमको मारना चाहिए ना यार। यार गाइस वो कह रहे हैं कि ना उसको ना वो गोली होती है ना, मतलब कपड़ा वगैरह लपेट के, मतलब भाई पैक करके, मतलब भाई कुछ चीज़ थी भाई, उसको वो लेके ट्रक में डाल के ना ले गए भाई। यार वो लोग लोग ना भाई क्या इस क्या ही बोलूँ यार गाइस, गोली इन लोग ने मारा बट वो लोग मरे नहीं, क्योंकि ये लोग रोबोट के बने और भाई सब नज़दीक से मारना पड़ता है यार गाइस, कोई बात नहीं भाई, गंदा वाला गाइस दोनों हो चुका है, कोई बात नहीं। अभी हैकर से पूछते हैं लोकेशन वगैरह, और भाई साहब मुझे नहीं पता गाइस अब उन लोग को पता चल गया होगा कि नहीं कि यार हमने GPS ट्रैक वगैरह लगाया था गाइस, आई डोंट नो व्हाई। ऑल राइट गाइस, चलो यार यहाँ पे हैकर वगैरह आ चुके हैं, ये लोग आ चुके हैं हमको लेने के लिए भाई साहब, मतलब इधर ही थे। और इसको पूछ तो क्या, देखो ये कह रहे कि लोकेशन ना अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है यार, बिल्कुल सर लोकेशन अब ट्रैक नहीं हो रहा है भाई, ट्राई करते रहो यार, क्या पता ट्रैक हो जाए यार। मेरे को लग रहा है ना वो बंदा जो फेक डगर बॉस है उसे पता नहीं कहाँ ले गया यार, अभी ना बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा है, तो अभी मैं फटाफट से डगर बॉस को कॉल करता हूँ और बातचीत करते हैं उससे। ऑल राइट गाइस, बातचीत मैंने कर दी है और फेक डगर जो रियल डगर बॉस से मैंने बातचीत की है, और वो कह रहा है कि यार देखो ट्रैक करते रहो, और मैंने तो उसे बोल दिया कि यार जो तेरा फेक डगर बॉस है ना जो प्लास्टिक सर्जरी वाला वो तो इधर दिख नहीं रहा यार, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं उसको भी हम लोग बचा लेंगे, बहुत पावरफुल है अपने पास यार, चलो कोई बात नहीं यार उसको बचा लेंगे बेचारे को यार, उसी के वजह से हम लोग सारे, मतलब क्या ही बोले यार, उसी के वजह से तो हम बचे इतने बड़ी वाली सिचुएशन से बाहर निकले, सो यार उसको भी बचाना हमारा फ़र्ज बनता है, कोई ना गाइस उसे भी बचाएंगे यार, टाइम मिले भाई प्लानिंग वगैरह करनी होगी। बट इनको ना सबसे पहले गाइस, अब इन लोग को भाई यार ही देखो गलती से ट्रेवर की जगह नहीं मिली भाई, ट्रेवर को जगह देते यार बेचारे को यार, सिक्योरिटी मेरी ऐसी ना भाई कुछ देख ही नहीं रही भाई, भाई ट्रेवर को लटकाना पड़ा, कोई ना भाई लटक जा आराम से, और इनको ना बढ़िया वाली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी यार गाइस, बढ़िया वाली ट्रीटमेंट। और इन लोग को ना भाई साहब भाई हॉस्पिटल वगैरह अपने अपने घर छोड़ के आता हूँ, फिर गाइस अपने को जो अपने अपने काम है ना यार, बहुत सारे काम है, अपने गैंग जो है ना भाई उसका लीडर भी मर चुका है और उसकी बॉडी भी हमारे पास नहीं है यार गाइस, वो लोग कह रहे हैं कि यार कम से कम उसके डेड बॉडी तो ढूंढ के लाओ भाई, यार मुझे क्या पता उस लोकेशन के बारे में अब उसकी डेड बॉडी कहाँ से मिलेगी। तो यार अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो रेस्क्यू ओके लिख दो, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो यार गाइस अपना आपको जाना पड़ेगा, अभी इन लोग को मैं छोड़ता हूँ भाई साहब हॉस्पिटल वगैरह जो भी गाइस हैं, हैकर को भी छोड़ देता हूँ, और अपने को ना भी डायरेक्ट गैंग बेस भी जा रहे हैं समझ रहे हो। तो यार इन लोग को अभी सब कुछ कर देंगे, फिर गाइस हम लोग जाएंगे गैंग, और मुझे नहीं पता उनका गैंग लीडर अब कौन होने वाला है, क्योंकि अभी टॉमी और मैं, अब
टॉमी गैंगरी तो बन सकता है क्योंकि वो तो बहुत पुराना बंदा है, बट अभी ना उसकी हालत ऐसी है कि मुझे लग नहीं रहा वो गैंग लीडर बनने के लायक है। सो गाइस अभी ना उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बनाने वाले हैं गाइस। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। ऑलराइट गाइस यार फाइनली आप लोग आ चुके हैं गैंग बेस पर, सब कुछ छोड़ के भाई हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ ना मैं उनको लगवा दिया क्योंकि उनकी इतनी पिटाई की है ना भाई साहब, कसम से गाइस उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही गाइस गंदी हो चुकी है, तो उसके वजह से हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और गाइस फिर क्या गाइस हॉस्पिटल ले गए और सबको वही घर वगैरह पहुँचा दिया। और गाइस मैं इधर आ चुका हूँ रेड स्कल गैंग के बेस पे, मतलब ये बेस तो नहीं है बस उसका घर वगैरह है। सो चलो इनसे बातचीत करते हैं, इनके जो बॉस की जो मौत हो गई ना, वैसे इन्हें पता तो है गाइस, बट अब इनका ना गाइस इन्हें थोड़ा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि यार देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, आगे जाके हम लोग साथ देंगे तुम्हारा। और गाइस चलो बात करते हैं। और राइट गाइस इनसे ना बातचीत वगैरह कर दिए और ये कह रहे हैं कि देखो भाई आज से ना भाई तुम्हारे गैंग का, हमारे जो गैंग का लीडर हो वो आप हो, मतलब यानी माइकल। गाइस यार भाई साहब क्या बात है यार, मतलब ये कह रहा है कि गैंग लीडर ना भाई हम बन चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी वाली बात है गाइस, समझ रहे हो भाई साहब, मज़ा ही आ चुका है गाइस कसम से भाई साहब। इतनी बढ़िया लीड मतलब गैंग है ना, मतलब ये सब कुछ दिख रहा है, ये सारा का सारा हमारा है। और ये कह रहे हैं कि हम हमें ना अभी बदला लेना है जिसने हमारे बॉस को मारा। सो यार मैंने तो उनको बोल दिया है टेंशन वगैरह मत लो। और वो कह रहे हैं कि अभी लॉस गैंग के बंदे भी हमें मारने की कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें भी ख़त्म करना है और उनका भी जो ड्रग्स का बिजनेस है ना वह वो भी ख़त्म करना है। और ये जो टकला दिख रहा है ना आपको भाई, ये जो है ना इनका मैनेजर मतलब बोल सकते हो, जो कि सब इधर का संभालता है। तो यार कोई बात नहीं, तो चलो यार गाइस अब ना गाइस क्या ही बोले, अब मुझे सब कुछ इनको ट्रेन वगैरह करना है और गैंग बड़ी करनी है और जो ये रेड स्कल है ना इन्हें बढ़िया बढ़िया से कपड़े भी देना है और बहुत कुछ करना है। और गाइस इसमें हम लोग बहुत कुछ करने वाले, ख़तरनाक वाला सीन समझ रहे हो, मतलब बहुत कुछ अभी इनको हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देंगे और इन्हें ऐसा करेंगे जिससे ना भाई वो मतलब समझ रहे हो भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएंगे। तो इन्हें बोलता हूँ यार देखो कल से ना तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी और तुम्हें जितना पैसा चाहिए गैंग का भाई मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, मतलब इनका बिजनेस वगैरह तो चल रहा है ना भाई, हम लोग हैंडल कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है गाइस समझ रहे हो। सो ये कह रहा है कि ठीक है यार देखो हमको डर, एक सेकेंड भाई ये स्नाइपर शॉट किसने मारा भाई साहब, लग रहे कौन है भाई साहब, भाई साहब क्या था ये यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया गाइस, भैंस क्या कौन है भाई, भाई स्नाइपर शॉट मारा किसी ने इतने दूर से भाई साहब, भाई इतने दूर से स्नाइपर शॉट गाइस यार क्या ही सीन है भाई साहब, भाई इतने दूर से स्नाइपर शॉट मारा ना भाई, लग रहा है वो मुझे मारने वाला था बस बेचारा टकला बीच में आ गया भाई, टकले का रिफ्लेक्शन हो गया क्या भाई। और गाइस क्या ही बात है यार कसम से बताओ ना भाई, मज़ा ही आ चुका है यार भाई साहब, एक ही नंबर यार क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया वाला सीन हो चुका है और इनको ना भाई सबको मार दूंगा, साले ये लॉन्च गैंग के बंदे लग रहे हैं भाई, इनको ना भाई मारने होगा भाई साहब कसम से यार, टकले ने मुझे बचा लिया वरना भाई आज तो मैं मरता ही भाई, मतलब स्नाइपर शॉट मारता है भाई कोई कोई बात नहीं भाई साहब, सबको गेम ओवर करना होगा गाइस और भाई सबको मार दोगे भाई, सबको मार देंगे भाई जो भी है ना भाई, ये लॉस गैंग के ही है मुझे पता है भाई, लॉस गैंग के बंदे, सो कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, इनकी भी औकात दिखा देंगे कि अपन क्या कर सकते हैं भाई, पूरे गाड़ी वगैरह आग लगा दिए भाई, अब ना मेरे को मेरे पर इतना प्रेशर हो चुका है ना, अभी मेरे को गैंग भी संभालनी है और गाइस बहुत कुछ करना है गाइस आज हमें यार, अभी एगल से भी पंगा लेना है, मतलब जो एगल है ना, एगल क्लाउड और उसका छोटा भाई और ये जो लॉस्ट एमसी गैंग है भाई उससे भी बदला लेना है। सो यार कोई बात नहीं उनसे भी बदला वगैरह हम लोग ले लेंगे भाई, सब कुछ करना है बहुत कुछ करना है गाइस, सही बताओ ना, अब यार क्या ही बोलूँ, अब ये ड्रग्स का धंधा भाई हमें भाई चालू करना होगा, बहुत कुछ करना है अभी समझ रहे हो, अभी टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास,
और भाई साहब क्या ही बोलूं यार, अभी फालतू का हमारे लोग भी मर चुके हैं। एक सेकंड भाई, कोई अभी भी अटैक कर रहा है। अरे यार ये भाई मिसाइल, भाई साहब ये आरपीजी से छोड़ रहा है कोई, भाई आरपीजी वगैरह का क्या ही सीन है भाई। कोई बात नहीं भाई, आरपीजी वगैरह ना भाई साहब, भाई मार रहा है कोई भाई, आराम से भाई देख के रहना होगा भाई। आरपीजी वगैरह आ गया ना भाई लग जाएगा भाई, देख रहा कोई अटैक कर रहा है आरपीजी से। ये लॉस्ट एमसी के भाई साहब, ओहो भाई क्या मिसाइल था देखा आपने भाई, क्या सीन है यार गाइस। कोई देखो भाई क्या ही, अरे इसकी भैंस की आग, अरे यार ये कौन है साला मम भाई साहब, क्या ये बंदा भाई गाड़ी से ठोक के चला गया जो डूबड़ा भाई का। कोई बात नहीं भाई साहब, इनका ना इनकी औकात दिखा देंगे, वैसे तो डरने वाली कोई बात है नहीं, सालों की औकात दिखा देंगे इनको। पता नहीं अपन लोग कौन है भाई, इनको लग रहा है ऐसे वैसे पंगा ले रहे हैं भाई। अब ना ये गैंग गाइस रेड स्पेल से भाई डायरेक्ट अब ऊपर आने वाली है, इनको लग रहा है ये गैंग अभी क्या ही बोलूँ गाइस, अब ये गैंग में इतनी खतरनाक करने वाला हूँ गाइस। ये गैंग के अंदर मैं बालास और वेगास के बंदे मिक्स करूँगा, क्योंकि आपको पता है बालास और वेगास मेरे कंट्रोल में, मतलब उन्होंने बोला था हम आपके कंट्रोल में, तो यार गाइस ऐसी गैंग बनाऊँगा, इतनी खतरनाक गैंग और गाइस इनके लिए बड़ा वाला पेस जिसने कभी नहीं सोची होगी। सो गाइस अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो, सो गाइस सुपर गैंग चैट पे लिख लो तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो भाई, इतनी खतरनाक गैंग बनाने वाला है तुम्हारा भाई, क्या ही बोले। सो यार चलो यार फटाफट से ना गाइस सबको गेम ओवर करते हैं भाई, ज़्यादा ही लोग मर चुके हैं हमारे भाई। ये लॉस्ट एमसी के ये देख लो गाइस, इनका नाम वगैरह भी देख ही सकते हो। कोई बात नहीं इनको इनकी औकात ज़रूर दिखा देंगे और इनका गेम ओवर करके मारूंगा भाई। अब बहुत हो चुका है गाइस, ये लॉस्ट एमसी वगैरह भाई सबका ही गेम ओवर है गाइस, सच बताओ ना भाई सब खत्म कर देंगे भाई। इनके पास इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर वगैरह टैंक वगैरह है ना भाई, अब सही यूज़ करना होगा और इनसे बातचीत वगैरह करते हैं। और चलो यार गाइस एक्सक्यूज मी, अब मेरे को नहीं लग रहा ये बेचारा टकला ना यार मेरे लिए मर गया भाई, वो मेरे पे स्नैप कर रहा था, पता नहीं यार वो उसको कैसी गोली लग गई गाइस, क्योंकि ना वो मेरे फ्रंट में खड़ा था, आपने देखा वो बिल्कुल ही मेरे फ्रंट में था, मतलब गाइस क्या सीन है भाई, भाई मेरे को खुद नहीं पता वो कहाँ से स्नैपर चली भाई, समझ रहे इतने दूर से चली ना स्नैपर भाई साहब, कसम से यार इतने दूर से चली ना स्नैपर गाइस, भाई मज़ा ही आ चुका है भाई, बहुत ज़्यादा ही मज़ा। कोई बात नहीं अब गाइस हमारे पास ऑप्शन भाई कुछ नहीं है, अब सब गेम ओवर है। और गाइस यहाँ पे ना इनका जो भी कार वगैरह सब कुछ पहले फोड़ देता हूँ फिर ना इनको औकात वगैरह दिखा देंगे, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, ये लॉस्ट एमसी के ना इनके सारे के टैंक वगैरह फोड़ देंगे और अपने को अभी जाना है गाइस अपनी न्यू सिक्योरिटी के लिए, रहने के लिए कपड़े वगैरह सारों का भाई सब कुछ फोड़ दूंगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा भाई हर चीज़ भाई। जंगल से आग लग गई भाई, किसका शेत है पता नहीं, शेत मतलब खेत, मराठी वर्ड आ गया गलती से, कोई बात नहीं, अगर आप मराठी प्लेयर हो तो मराठी लिख दो, ऐसे मुझे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहाँ से हो, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं महाराष्ट्र इंडिया से हूँ। आप लोग अपनी लोकेशन चैट करो, क्योंकि यार गलती से कभी कभी वर्ड आ जाते हैं, सो कोई डरने वाली बात नहीं है, शेत खेत भाई समझ रहे हो, ठीक है यार कोई बात नहीं। सो चलो यार फटाफट से बैठ जाओ, आर एस बी पी जी वालों फटाफट से मेरे कार में बैठ जाओ। और भाई तुम्हारी मस्त भाई की एक नया घर है, बट वो घर आपको चूज़ करना है, ठीक है ना गाइस। अभी मैंने एक ऑनलाइन देखा था वेबसाइट पे कि यार एक बढ़िया सा घर है जिसमें एक बड़ा सा ना गैरेज भी है और गाइस हेलीपैड भी है, जो को अपने को चाहिए था गाइस, समझ रहे हो। सो कोई बात नहीं अब वो जाके चेक करना है, रिव्यू वगैरह करेंगे भाई साहब। सुनने में आएगा बहुत बड़ा घर है और भाई सेफ्टी बहुत है उसमें, मतलब कोई अटैक करने का दूर की बात है, अटैक वगैरह हो सकता है बस एयर स्ट्राइक से हो सकता है, मतलब ग्राउंड अटैक तो कोई कर नहीं पाएगा। तो गाइस पता नहीं कोई एक लड़की है तो उससे हम लोग लेने वाले हैं बातचीत, ऑनलाइन तो मैंने सब कुछ कर दिया है, तो उससे फटाफट से बातचीत करते हैं फिर ना आपको मिलेंगे डायरेक्ट शोरूम के अंदर और पता करते हैं क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, यार फाइनली भाई लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमको भाई घर परचेज करना है।
समझ रहे हो भाई, जहाँ से हमको घर परचेस करना है ना भाई, ये रहे भाई। यहाँ पर तो दो एसपीजी के बंदे खड़े हैं भाई। भाई साहब ये क्या सीन है, यहाँ पे दो एसपीजी के बंदे खड़े हैं कसम से। भाई एंट्री पहले पूछ लेता, यही है ना भाई, एक बार पूछ लेता भाई एंट्री वगैरह ले लेंगे गाइस, वरना ऐसा ना हो, समझ रहे हो, वरना ऐसा ना हो कि गाइस प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाए, समझ रहे हो। सो कोई बात नहीं, चलो यार फटाफट से ना भाई साहब कर देते हैं। और गाइस चलो यार इनसे ना भाई परमिशन वगैरह ले लिए, और कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सो चलो भाई यहाँ पर गाइस फटाफट से निकलते हैं, और क्या ही सीन है गाइस। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट से भाई बैठ जाओ यार, फटाफट से यार, अभी ये लोग टाइम पास करते ना भाई। भाई बहुत गुस्सा आता है, और ये पता नहीं घर कितने ऊपर है भाई, कुछ ज़्यादा ही घर ऊपर है यार गाइस, कसम से गाइस कुछ ज़्यादा ही ऊपर है ना। कोई ना फटाफट से जाते हैं, फटाफट से जाते हैं। और भाई साहब भाई गाड़ी जा नहीं रही ऊपर भाई, गलती से मैंने भाई न्यूट्रल कर दिया था, मतलब स्पीड स्लो कर दी थी यार। क्या ही सीन है भाई कसम से गाइस। भाई अब चढ़ गई, चलो यार चढ़ गई गाड़ी, चढ़ चुकी है भाई, जा रही है भाई, मेरे को लगा नीचे हो जाएगी कसम से भाई, क्या ही बोलूं। चलो यार अब फिर से चलाता हूँ भाई गाड़ी ना। ओके, चलो यार मस्त भाई की गाड़ी ना भाई, जा रही है भाई, मस्त घर है यार ये तो भाई, मस्त घर है यार गाइस, ये क्या ही बोलूं यार गाइस, एक नंबर घर है भाई, बहुत ही बढ़िया घर है गाइस ये भाई, मस्त भाई की घर है यार गाइस, क्या ही बोलूं ना गाइस, मतलब एक ही नंबर है यार, देख रहे हो भाई, बिल्कुल एक ही नंबर घर है गाइस भाई, मजा ही आ चुका है भाई साहब। बस इसका भी जो ऑनर है ना, लड़की वगैरह, इससे बातचीत वगैरह करते हैं, और भाई इससे पूछते गाइस क्या सीन है, और ये कितने में दे रही है, और क्या सीन है, और गाइस भाई पूरा पहले चेक करेंगे। आप लोग बताना कैसा घर है, ठीक है ना, आप जो बोलोगे वही करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यार डायरेक्ट गए और परचेज कर लिए भाई, आप बोलोगे तो इस ठीक है, वरना आप जो बोलोगे फिर वो परचेज़ कर लेंगे। पहले आप घर वगैरह रिव्यू कर लेते हैं फिर ना, ठीक है। इस लड़की से भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये इतनी कम उम्र की लड़की है और इसने इतना जल्दी हासिल कर दिया गाइस। तो चलो इससे बातचीत वगैरह करते हैं, और भाई देखते हैं ये क्या बोल रही है भाई, क्या ये भाई साहब, भाई इतनी कम उम्र में इसने इतना बड़ा वाला मेंशन परचेज कर लिया, जो कि अनबिलीवेबल है भाई साहब, कसम से बोलो ना भाई, मेरा दिमाग ही आउट हो गया। और ये कह रही कि तुम अपना खुद देख लो और रिव्यू वगैरह ले लो, भाई ठीक है यार चलो खुद ही देख लेंगे, मुझे लगा कंपनी वगैरह देंगी बट नहीं दे रही है, बोल रही है खुद जाके ले लो। चलो यार गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग खुद चेक कर लेंगे, और भाई साहब क्या ही बोले यार, ठीक है कोई बात नहीं, चेक वगैरह कर लेते हैं और फिर देखते हैं गाइस क्या सीन है भाई। मेरे को तो भाई बढ़िया लग रहा है, आप लोग बताना भाई, मेरे को बस गैरेज वगैरह देखना है, और इसका भाई ये डबल आई थिंक फर्स्ट फ्लोर भी है, इसमें ग्राउंड फ्लोर तो है ही एंड फर्स्ट फ्लोर भी है भाई साहब ये ना। चलो ठीक है, बहुत बड़ा है वैसे, बहुत बड़ा है गाइस, तो पुर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, और बेड भी है, और मेरे को बस गैरेज यार, हेलीपैड देखो यार, हेलीपैड भी है गाइस, क्या बोलती हो भाई, छोटा सा हेलीकॉप्टर है इसके लिए, सिंगल सिर्फ एक ही जना बैठ सकता है, मतलब वो उसका है ना, अपना थोड़ी ना है, वरना समझ रहे हो। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मैं फटाफट से इसके गैरेज वगैरह देखते हैं, और देखते हैं गाइस क्या पता गाइस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना, समझ आ जाएगा कितना बड़ा है। और गाइस छोटा है तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को भाई कार कलेक्शन वगैरह और होते हैं ना, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो सब कुछ चेक करना है भाई। यहाँ पर भी एक गैरेज है, ठीक है ये तो छोटा वाला है, अपने को बड़ा वाला देखना है, समझ रहे हो गाइस, बड़ा वाला देखना है अपने को। सो चलो यार फटाफट से देखते हैं, और एक सेकंड यहाँ पे पूल भी है क्या भाई, पूल वगैरह भी है भाई, फटाफट से पहले गाड़ी में बैठ जाता हूँ, पहले गैरेज देखेंगे फिर बाद में गाइस सब चीज़, ठीक है, पहले ना गैरेज ही देखेंगे, समझ रहे हो। चलो भाई ये गैरेज है ना, क्या कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे ना हम लोग, वरना ऐसा ना हो कि भाई नीचे चले जाए। कोई ना चलो ठीक है भाई, मस्त लग रहा है यार गाइस, कसम से बताओ ना भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये भाई साहब, बहुत ज़्यादा ये बढ़िया लगा ये। चलो गाइस कोई बात नहीं, मेरे को भाई बढ़िया ही लगा है। और एक सेकंड यहाँ पे देख ही लेते हैं भाई,
कोई ना भाई, यहाँ पे तो भाई हम लोग रिपेयर वगैरह भी कर सकते हैं एंड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और ये रूम लॉक लग रहा है मेरे को, पता नहीं गाइस, खोल के देखता हूँ। भाई लॉक है यार, भाई लॉक है यार, पता नहीं क्या चीज़ें रखी है इसने अंदर, जो कि लॉक है यार गाइस, बाद में जाके अपन लोग खोलेंगे। भाई गैरेज बहुत बड़ा है यार कसम से गाइस, भाई यहाँ पे तो हम लोग शोरूम वगैरह खोल दें। भाई क्या बोलते हो, भाई क्या बोलते हो, आप लोग को पसंद आया कि नहीं? अगर आया तो बोल दो गाइस, क्या ही सीन है, ठीक है ना भाई? मेरे को तो भाई बढ़िया लगा है भाई, सिक्योरिटी के लिए बढ़िया है एंड अपन लोग भी कभी अगर आएंगे, वैसे तो अपन लोग भाई मेले में मैंशन पे रहते हैं एंड समझ रहे हो, तो चलो यार कोई बात नहीं और देखते हैं गाइस क्या सीन है। भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा वैसे, समझ रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया लगा एंड एकदम छक्कास। चलो यार फटाफट से ना अब चेक कर लेते हैं और क्या क्या यार इससे बातचीत करते हैं और कितने में डील वगैरह कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, ओके ओके। सो चलो फटाफट से भाई, इधर पूल वगैरह भी है यार गाइस। भाई इसमें पानी नहीं डाला है, पानी ख़त्म हो गया क्या इसका? भाई यार इसने पानी डाला नहीं इसमें यार गाइस, क्या ही लड़की यार, इतना बड़ा घर है और इसमें पानी डालना ही भूल गई। भाई चलो इस लड़की से बातचीत करेंगे एंड पहले पहले ना ऊपर जाके देखता हूँ पहले। भाई ऊपर जाएंगे कैसे, एक सेकंड, इससे तो मैंने पूछा ही नहीं। भाई ऊपर जाएंगे कैसे, एक सेकंड ऊपर जाएंगे कैसे भाई? ये यहाँ पर टॉयलेट है जो कि भाई भाई बहुत काला कर दिया यार इसने। भाई क्या सीन है भाई, टॉयलेट काला क्यों है भाई, ये क्या है भाई? भाई कसम से आपने देखा क्या? नहीं भाई बट चलो ऐसी चीज़ दिखानी नहीं चाहिए, बट भाई मैंने सोचा अंदर कुछ होगा, बट यार ये क्या भाई, साफ वगैरह तो रखना चाहिए ना भाई। इसमें तो पानी आ रहा है और यहाँ पे मीटिंग वगैरह चाय वगैरह पी सकते हैं मस्त भाई के धूप में बैठ के। और भाई यहाँ पर भी गाइस, चलो यार भाई किचन वगैरह भाई बोल सकते हो, ऐसे कुछ बनाते ना बीबीक्यू ऐसा कुछ भी होता है भाई, बढ़िया चीज़ है यार गाइस। चलो ऊपर जाके देखते यार गाइस, ऊपर का मेरे को पता नहीं रास्ता रास्ता ऑलराइड गाइस मैं ऊपर आ चुका था भाई, बहुत ढूंढने के बाद रास्ता मिला मुझे। और ऊपर का देखो यार, ऊपर यहाँ पर मीटिंग वगैरह हो सकती है यार, ये बहुत बड़ा घर है, कब से मैं देख रहा हूँ इसको यार। भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है गाइस, मतलब इतना बड़ा घर है भाई, देखने में इतना टाइम लग रहा है ना गाइस, क्या ही बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है घर देखने में। भाई यहाँ पर बेड है भाई साहब, भाई पूल भी है, गेम भी खेल सकते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा ही गाइस साइज स्क्वायर फीट में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और गाइस ये देखो भाई साहब मस्त है यार, आप लोग बताना क्या दूसरा देखें हम लोग, दूसरा घर देखें या यही वाला घर को चूज़ करें, आप लोग बताना। और भाई कितने बेड है भाई, ये क्या है भाई, ये तो डबल, ये क्या है भाई, बेड है क्या, क्या है ये, पता नहीं बेड नहीं ये बाथ टब लग रहा है भाई, डबल बेड टब है भाई भाई दो लोग नहाने भाई इसमें, क्या है भाई? भाई ये लड़की के इरादे मेरे को सही नहीं लग रहे, मतलब अकेले रहती है एंड दो, मतलब डबल बाथरूम डबल बाथ टब क्या चाहिए इसको भाई, पता नहीं यार। चलो गाइस अपने को क्या, अपन लोग फटाफट से ना भाई साहब डील करना है एंड इससे सब कुछ ख़त्म करेंगे और फटाफट से नीचे आते हैं। चलो यार गाइस रास्ता भाई साहब बहुत भूल भुला यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा है मुझे तो यार, रास्ता कहाँ गया भाई। चलो नीचे आते हैं गाइस। चलो यार इससे ना सारी बातचीत वगैरह मैंने कर दिए और ये कह रही कि देखो अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम ले लो, अगर नहीं है तो तुम कल आ जाओ और कल मेरे को बोल दो क्या सीन है। तो यार गाइस आप मेरे को बोल देना चैट में, ठीक है? मैंने उसे बोल दिया है, हम हमारे सब्सक्राइबर से पूछ देंगे, उनको पसंद आया तो हम तुम्हारी ले लेंगे और गाइस फिर सब खरीद लेंगे और गाइस हम हो जाएंगे इसके ओनर। तो ये कह रहे कि ठीक है तुम कल ले सकते हो आके, तो जल्दी से आना भाई साहब, जल्दी से आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस। यार ख़तरनाक लड़की वैसे, मतलब क्या ही बोले यार। चलो फटाफट से यार बैठ जाओ, तुम लोग मेरे साथ में बैठ जाओ। चलो यार गाइस फटाफट से अब निकलना होगा। और भाई आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताना, अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो गाइस लिख दो बिग हाउस लिख दो, या सॉरी मैंशन लिख दो, मैंशन ओपी लिख दो, मैंशन ओपी लिख दो, बस मुझे समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो गाइस ठीक है ना भाई साहब, मैंशन ओपी ज़रूर लिखना। और भाई मुझे इसका एंट्रेंस देखे ना भाई, भाई भाई झाड़ वगैरह हर चीज़ है गाइस, ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ है, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, इतना टाइम लग गया देखने में, मुझे लगा यूँ देखेंगे यूँ देखेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है गाइस, मतलब समझ रहे हो। सो कोई बात नहीं चलो
ठीक है भाई, यहाँ से ना आराम से गाड़ियाँ वगैरह चल जाएंगे। देखो जा तो रही है भाई, सब कुछ जा रही है मस्त। बैठिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, देख रहे हो। ठीक है ना गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, सब कुछ बढ़िया ही चल रही है। वैसे तो डरने वाली कोई बात नहीं है गाइस, समझ रहे हो, डरने वाली कोई बात नहीं है, एंड सब कुछ ना भाई एकदम बढ़िया चल रहा है। सो ठीक है चलो फटाफट से चलते हैं भाई साहब। ये SPG सिक्योरिटी गार्ड भी है ना यहाँ पर, आप लोग कौन अपने न्यू सिक्योरिटी लगा देंगे RSBPG वाली, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो चलो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे जाके शेयर जरूर करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड भाई साहब जल्दी वीडियो आएंगे, और यार 1000 लाइक कर दो यार प्लीज़ गाइस, 1000 लाइक हो ही नहीं रहे। पिछले वीडियो में आपने मेरा वीडियो वॉच ही नहीं किया, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड बाय बाय, पीस आउट।